नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। कांग्रेसियों ने संविधान की प्रस्तावना को बदलने की कोशिश को रोके जाने को लेकर ज्ञापन। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा में कांग्रेसियों ने संविधान की प्रस्तावना को बदलने की कोशिशों को रोके जाने की मांग हेतु तहसील इटवा में शांतिपूर्ण तरीके से भाजपा सरकार को घेरने का काम किया। दर्जनों की संख्या में कांग्रेसियों नेता व कार्यकर्ता ने एक सुर में कहा, अगर संविधान में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई तो हम कांग्रेसी इसको लेकर सड़कों पर उतरेंगे और इसका पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस जिला चेयरमैन नादिर सलाम से बात की गई तो उनका कहना था कि भाजपा सरकार लोकतंत्र व संविधान विरोधी सरकार है। इनके नेताओं द्वारा लगातार इसमें छिड़खानी की कोशिश की जा रही है। यह संविधान की मूल आत्मा को नष्ट कर देना चाहते हैं। देश को आजाद कराने और संविधान को लेकर अपने प्राणों की आहुति देने वालों के साथ हम कांग्रेसी हमेशा थे और रहेंगे। हम इनको इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। वैसे सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। आनंद नागर, आपके द्वारा एसडीएम साहब के द्वारा जो है महामहिम को ज्ञापन सौंपा गया, किस तरह का ज्ञापन है, उसमें क्या मांगे रखी गई? जो ये भाजपा सरकार है ये पूरी तरीके से लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी सरकार है। लगातार इनके नेता संविधान पर प्रहार कर रहे हैं और जो उसकी आत्मा है, उसकी प्रस्तावना है, उसमें लगातार छेड़खानी करने का प्रयास हो रहा है। इन लोगों के द्वारा समाजवाद का जो शब्द है प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष का जो शब्द है प्रस्तावना में, उसको ये मिटा देना चाहते हैं और जो संविधान की मूल आत्मा है उसको नष्ट कर देना चाहते हैं। लेकिन भाजपा वालों को हम कांग्रेसी ये बता देना चाहते हैं कि जिसने इस देश को जो है आजाद कराया है और इस संविधान के निर्माण में जिन लोगों ने अपने जो है प्राणों की आहुति तक दे दी है, तो हम उनको इनके मंसूबों में कामयाब होने नहीं देंगे। इसको लेकर हम महामहिम राष्ट्रपति को जो है उप जिलाधिकारी के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है और हमें उम्मीद है कि उप जिलाधिकारी महोदय इसको महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और इसमें जो संविधान के ऊपर लगातार इनके द्वारा प्रहार हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं और इनको हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे आप लोग? इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे और जब तक हमारे जिस्म में जान है तब तक हम इनसे लड़ते रहेंगे।